10th बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2023 के क्वेश्चन नंबर 37 के सॉल्यूशन में हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। केस स्टडी सेकंड है, हालांकि सारा का सारा क्वेश्चन कंपलसरी है, आपको बनाने ही बनाने हैं केस बेस्ड में, और बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, ये क्या है, अगर आप ऊपर में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि तीन लाइन में, अगर थर्ड लाइन में आप देखो तो क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज अप्रोक्सीमेटली 150 किलोमीटर, यानी दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, 150 किलोमीटर। ठीक है, द फैमिली फ्रॉम उत्तर प्रदेश प्लान टू राउंड ट्रिप लखनऊ टू पुरी वायवा भुज एंड नासिक। ठीक है, इसका वो ट्रिप मतलब वैसा प्लान करते हैं कि यहां से यहां जाना है, सर कहां से कहां जाना है, तो इसके लिए हमें एक मैप नीचे दिया हुआ है जिसमें एल से डिनोट किया गया है दिल्ली को। ठीक है, एस से आप देख रहे हो कि गुजरात साइड जो भुज है वहां के बारे में बता रहे, फिर महाराष्ट्र के बारे में दिया हुआ है, और इधर आप देखो तो उड़ीसा के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से एल बी एन पी दिया हुआ है, नीचे में कोऑर्डिनेट दिया गया है, इससे हमें पता चलता है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो एल पॉइंट अगर आप देखो तो कितना है, एल जो है यहाँ पे बिलोंग करता है, तो एल देखो तो एक्स एक्सिस में 5 है, वाई एक्सिस में 10 है, तो ये 5.10 हो गया। अगर पी को देखो तो 8.6 हो जाएगा, एन को देखो तो 2.6 हो जाएगा, उसी टाइप से बी को देखो तो वाई एक्सिस में है, दैट इज 0.7 हो जाएगा। तो इस टाइप से कोऑर्डिनेट लिख लेंगे हम लोग, उसके बेसिस पे हमें क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, ये हमारा जो है डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, एक एक करके बनाते हैं, चलते हैं बोर्ड पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एल एंड भुज बी। उसके लिए हमें सबसे पहले कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना होगा सारा का सारा। तो अगर एल कोऑर्डिनेट आप देखो तो एल कोऑर्डिनेट है आपका 5.10। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर आप एन कोऑर्डिनेट देखो तो एन कोऑर्डिनेट है दैट इज 2.6। उसी टाइप से अगर आप पी कोऑर्डिनेट देखो तो वो है 8.6, और उसी के साथ साथ अगर बी कोऑर्डिनेट देखो तो कितना है, दैट इज 0.7। ठीक है, तो ये सारा का सारा कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब फर्स्ट में हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में हमसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ एंड लखनऊ टू भुज, यानी एल और बी, यानी कि एल बी डिस्टेंस सिंपली फाइंड आउट करना है। तो यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे हम लोग, एल कहां है यहां, बी कहां है यहां पे, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1, और इसको मान लेते हैं x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए लगा लेते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। x2 - x1, x2 कितना है, दैट इज 0, माइनस x1 कितना है, दैट इज 5, 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 7 - 10 का होल स्क्वायर, 7 - 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, 0 - 5 दैट इज -5 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया -3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया, 5 का - 5 का स्क्वायर दैट इज 25, -3 का स्क्वायर दैट इज 9, तो ये कितना हो गया, दैट इज रूट अंडर 34 यूनिट। कितना, रूट अंडर 34 यूनिट इज द राइट आंसर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम प्रॉपर फॉर्म में समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या है, सेकेंड पार्ट दिया है इफ कोटा के इंटरनली डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग लखनऊ टू भुज इंटू 3:2 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ के। ठीक है, अच्छी बात है, मिटा दिया जाए इसको, हाँ सर मिटा दिया जाए। सेकेंड वाले पार्ट में आप देखोगे कि क्या दिया हुआ है, सेकेंड वाले पार्ट में इस टाइप का एक लाइन दिया हुआ है। ठीक है, लाइन क्या है, ये किसको डिनोट करना चाहता है, बोल रहा है कोटा के है, लेट अस सपोज ये पॉइंट हमारा के है, ये कोटा जो के है वो उसके बारे में दिया है कि इंटरनली डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग लखनऊ टू भुज, यानी कि ये लखनऊ है ये भुज है, तो इसको ये डिवाइड करता है। लखनऊ का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ था 5.10 और भुज का भी कोऑर्डिनेट दिया था दैट इज 0.7, ये आपने देख रखा है अभी। ठीक है, तो इसका रेशियो हमें दिया हुआ है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:2 में, यानी कि ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट यानी कि सिंपली x, y हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये आपको सेक्शन फॉर्मूला याद होना चाहिए। x के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, x निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आ जाओ फाइंड आउट करते हैं x का वैल्यू, m1 का वैल्यू कितना है, दैट इज 3 इंटू, इसको मान लोगे आप x1 y1, इसको मान लोगे आप x2 y2। ठीक है, तो m1 x2 का वैल्यू कितना है, दैट इज 0 प्लस m2 का वैल्यू कितना है, 2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है, दैट इज 5
डिवाइडेड बाई डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू दैट इज थ्री प्लस टू तो एक्स इक्वल टू ये तो जीरो हो गया और फाइव टू जा टेन डिवाइडेड बाई फाइव कैंसिल होने के बाद कितना आया टू आया कितना आ गया टू आ गया। उसी टाइप से y का फॉर्मूला क्या होता है एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। अब एम वन का वैल्यू कितना है दैट इज थ्री इंटू वाई टू का वैल्यू कितना है सेवन प्लस एम टू का वैल्यू कितना है दैट इज टू इंटू वाई वन का वैल्यू कितना है दैट इज टेन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू दैट इज थ्री प्लस टू। अब ये कितना हो गया दैट इज 21 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 तो ये कितना हो गया 41 डिवाइडेड बाई 5। इतना क्या कोऑर्डिनेट हमारा देखने को मिलेगा ये x मिल गया ये y मिल गया यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट हमें पूछा था x कॉमा वाई ये कितना है दैट इज 2, 41 बाई 5। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी सेकेंड वाला पार्ट भी आपको एकदम प्रॉपर फॉर्म में समझ में आया होगा। ठीक है अब इसके थर्ड पार्ट पे अब हम लोग मूव करते हैं मिटा दिया जाए इसको बहुत अच्छी बात है। ठीक है अब उसके थर्ड पार्ट में देखोगे क्या है एकदम क्वेश्चन पे आप अच्छे तरीके से नजर लगाए रखोगे क्या है कि नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द प्लेसेस लखनऊ नासिक एंड पुणे। ठीक है पुरी के थ्रू यानी कि अगर हम लोग बना ले एक ट्रायंगल इस टाइप का ट्रायंगल है ठीक है तो ये हम लोग बना लेते हैं लेट अस सपोज ये हमारा लखनऊ है फिर उसके बाद कौन कौन सा दिया है नासिक एन बना लेते हैं इसको और इधर है पूरी दैट इज पी। सबका कोऑर्डिनेट आपको पता है एल का कोऑर्डिनेट कितना है दैट इज 5, 10 एन का कोऑर्डिनेट कितना है दैट इज 2, 6 और उसी टाइप से पी का कोऑर्डिनेट कितना है 8, 6। तो आपको सिंपली बताना है किस टाइप का ट्राइंगल फॉर्म्ड होगा तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये साइड और ये साइड सिंपली फाइंड आउट करना है। ठीक है तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है दैट इज x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ये होता है का होल रूट। ठीक है ये होल रूट में होगा ठीक है ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला था उसके बेसिस पे ln निकालेंगे pn निकालेंगे और lp निकाल लेंगे। ठीक है तो चलिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले ln निकालते हैं ln डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या होगा x2 - x1 यानी 2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 6 - 10 का होल स्क्वायर 6 - 10 का होल स्क्वायर कितना हो गया -3 - 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस -4 - 4 का स्क्वायर दैट इज 16 का होल रूट तो कितना हो गया √25 और ये कितना होता है 5 यूनिट कितना आ गया 5 यूनिट हमें देखने को मिला। अब ln हमारा निकल गया है अब उसी बेसिस पे हम लोग pn निकालेंगे pn कितना होगा दैट इज √x2 - x1 यानी कि 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 6 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है तो 8 - 2 6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस ये हो गया हमारा कितना 0 तो √36 दैट इज 6 यूनिट कितना हो गया 6 यूनिट। तो ये ln निकल गया ये pn निकल गया उसी टाइप से आपको pl भी निकालना होगा। अब pl निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा अगेन x2 - x1 यानी कि 8 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी कि 6 - 10 का होल स्क्वायर। ठीक है थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं 6 - 10 का होल स्क्वायर रूट अंडर 8 - 5 = 3 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 6 - 10 कितना होगा -4 - 4 का स्क्वायर दैट इज 16 तो ये कितना हो गया दैट इज √25 और ये कितना हो गया 5 यूनिट कितना हो गया 5 यूनिट। ठीक है तो एक 5 यूनिट आया दूसरा 6 और तीसरा 5 यूनिट क्योंकि दो साइड सेम है एक अलग है इससे पता चलता है कि ये कौन सा ट्राइंगल होगा आइसोसेल्स ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेगा किसका फॉर्मेशन करेगा आइसोसेल्स ट्राइंगल और ये आपका आंसर हो जाएगा लेकिन उसके लिए आपको ये सारा चीज शो करके वहां पे तो प्रॉपर फॉर्म में दिखाना पड़ेगा तभी आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है अब इसके और वाले पार्ट में भी एक क्वेश्चन है आइए चलिए उसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है मिटा दिया जाए इसको मिटा दिया जाए ना बहुत अच्छी बात है। कोऑर्डिनेट आपको मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है एक बार अगर आपने कोऑर्डिनेट पता कर लिया ना उसके बाद ये सब सिंपल है। ठीक है थर्ड के और वाले पार्ट का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक क्या है फाइंड अ प्लेस यानी कि पॉइंट फाइंड आउट करना है ऑन द लॉन्गिट्यूड वाई एक्सिस ठीक है विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट लखनऊ एंड पुणे। ठीक है
ये हमारा लेटर सपोज लखनऊ है, ये हमारा लेटर सपोज पुणे है। एल का कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है कितना है 5.10 है ना, ये एल है, और पुणे का कोऑर्डिनेट दिया है डेट इज 8.6। ये पॉइंट हम लोग मान लेते हैं ए है, जो कि कहां है वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे हमारा एक्स वाला तो क्या होता है जीरो होता है, वाई तो हमारा सिंपली वाई रहेगा। और ये कहां दिया हुआ है इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एल एंड पी, ए और पी से क्या है इक्विडिस्टेंस है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे। यानी कि सिंपली अगर हम लोग बात करें तो एल ए जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा किसके एपी के, है ना। एल ए जो होगा वो सिंपली किसके इक्वल होगा एपी के डिस्टेंस के इक्वल होगा। आप अगेन यहां डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लोगे एल ए में, एल ए एक्स टू माइनस एक्स वन यानी कि सिंपली हो जाएगा कितना 5-0 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 यानी कि 10-y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। अब एपी में आओ, एपी में हमारा ये वाला हो गया ठीक है, तो अगेन x2-x1 यानी कि 8-0 का होल स्क्वायर प्लस y2-y1 यानी 6-y का होल स्क्वायर ठीक है। अब सिंपली y फाइंड आउट हो जाएगा, y फाइंड आउट हो जाएगा तो कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा दैट इज 0 कॉमा जो भी y का वैल्यू आएगा। चलो ठीक है, पहले रूट से तो रूट कैंसिल हो गया क्योंकि इधर रूट था इधर आता तो स्क्वायर बनता, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट हमारा ऐसे भी कैंसिल हो जाता, तो रूट से रूट कैंसिल कर दिया हमने। अब 5-0 कितना होगा दैट इज 5 ही होगा सर, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठाना पड़ेगा ए स्क्वायर दैट इज 100 प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 20y ठीक है, 2ab तो 20y ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगेन तो a स्क्वायर दैट इज 36 प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 12y ठीक है। अगर इसको ऐड करो तो कितना होगा 25 प्लस 100 सर आपने इसको ऐड क्यों नहीं किया सर, कोई बात नहीं बच्चा अभी बताता हूं मैं आपको। प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस में इधर आता तो माइनस में कैंसिल हो जाता ठीक है, तो ये कितना हो गया माइनस 20y इज इक्वल्स टू ऐड करोगे कितना होगा 100 होगा ठीक है माइनस 12y ठीक है। इसीलिए हमने नहीं किया था क्योंकि ये प्लस में इधर आता तो माइनस में, तो 100 से 100 तो ऐसे भी मर जाएगा। तेजी दिखाते हो सर क्या बात है ठीक है। अब इसको पकड़ के इधर लाओ तो कितना होगा माइनस 20y पहले से था, ये प्लस 12y हो गया इज इक्वल्स टू ये प्लस में इधर गया तो माइनस 25 ठीक है। माइनस करेंगे तो कितना होगा माइनस 8y इक्वल्स टू माइनस 25, माइनस से माइनस मर गया ठीक है, क्या हो गया माइनस से माइनस मर गया तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 25/8 कितना आ गया y इक्वल्स टू आ गया 25/8। इस कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो कोऑर्डिनेट कितना होगा 0.25/8, ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी एकदम सिंपल फॉर्म में आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया। एक बार आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए, उसके बाद तो क्वेश्चन को धुआं धुआं करके रख देंगे। अब हम लोग फर्दर मूव करेंगे इसके लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 38 पे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।